दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 31 मार्च 2024 को वित्त वर्ष 2023-2024 समाप्त हो रहा है, यानी कह सकते हैं कि 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। इस बीच आप में से बहुत सारे लोग इस वित्त वर्ष के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बारे में सोच रहे होंगे। कुछ लोग अभी भी ऐसे निवेश साधन के बारे में सोच रहे होंगे कि कहां पर पैसे लगाकर इनकम टैक्स बचाया जा सके। तो ऐसे में आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे, जैसे कि इनकम टैक्स की कौन सी रिजिम चुनी जाए, पुरानी रिजिम या नई रिजिम। इसके अलावा अगर नई रिजिम चुनते हैं तो इनकम टैक्स बचाने के लिए कहां कहां निवेश किया जा सकता है, कितना तक इनकम टैक्स बचाया जा सकता है। अगर पुरानी रिजिम चुनते हैं तो कहां निवेश करके इनकम टैक्स बचा सकते हैं। इसके अलावा आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते होंगे कि अभी भी जब दो कर व्यवस्था लागू है तो सबसे ज्यादा लोग कौन सी कर प्रणाली पसंद करते हैं, पुरानी वाली या नई वाली। तो अगर आप नौकरी पेशा हैं और नई टैक्स रिजिम चुने या पुरानी, इसको लेकर उलझन में हैं, या फिर नई टैक्स रिजिम के तहत टैक्स बचाने का उपाय तलाश रहे हैं, तो इस एपिसोड को अंत तक देखिए। इस एपिसोड में हम आपको आगे नई टैक्स रिजिम के तहत कितना और कैसे इनकम टैक्स बचा सकते हैं ये तो बताएंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे कि सबसे ज्यादा टैक्स पेयर्स नई टैक्स रिजिम पसंद कर रहे हैं या फिर पुरानी टैक्स रिजिम। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये तो सच है कि नई इनकम टैक्स रिजिम में पुरानी टैक्स रिजिम में मिल रही ज्यादातर टैक्स छूटों का फायदा नहीं मिलता है, लेकिन दो डिडक्शन ऐसे हैं जिनका लाभ सैलरी लेने वाले लोग यानी नौकरी पेशा लोग नई रिजिम में भी ले सकते हैं। सरकार ने हालांकि नई इनकम टैक्स रिजिम में ज्यादातर टैक्स एग्जम्पशन और डिडक्शन का फायदा नहीं दिया है, लेकिन इसके बदले नई इनकम टैक्स रिजिम अपनाने वालों की 7 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी को टैक्स फ्री करके उसे आकर्षक बनाने की कोशिश जरूर की है। इसके अलावा कुछ ऐसे डिडक्शन भी हैं जिनका फायदा सैलरी पर काम करने वाले नौकरी पेशा कर्मचारियों को नई टैक्स रिजिम में भी मिल सकता है। दरअसल सरकार ने 2023 के बजट में न्यू टैक्स रिजिम को ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए इसमें कुछ फायदे बढ़ा दिए थे। ये फायदे 1 अप्रैल 2023 से लागू भी हैं। इनका लाभ आप मौजूदा वित्त वर्ष यानी 31 मार्च 2024 को समाप्त हो रहे वित्त वर्ष में भी ले सकते हैं। तो सबसे पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ। वेतनभोगी कर्मचारियों को पुरानी टैक्स रिजिम में 50,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ पहले से मिलता आ रहा है, लेकिन 1 अप्रैल 2023 से यह लाभ नई टैक्स रिजिम में भी मिलने लगा है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका सालाना टैक्सेबल वेतन 7,50,000 रुपए है तो भी आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 7 लाख रुपए तक का सालाना वेतन तो नई टैक्स रिजिम में पहले से ही टैक्स फ्री है। इसमें 50,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ जोड़ दे तो यह रकम 7.5 लाख रुपए हो जाती है। इनकम टैक्स रिटर्न या ITR भरते समय स्टैंडर्ड डिडक्शन को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 16IA के तहत वेतन या पेंशन से होने वाली आय के हेड में क्लेम किया जा सकता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ वेतनभोगी कर्मचारियों और पेंशनर्स के अलावा फैमिली पेंशन पाने वालों को भी मिलता है, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जहां स्टैंडर्ड डिडक्शन की रकम 50,000 रुपए है, वहीं फैमिली पेंशन पाने वालों के लिए यह अमाउंट सिर्फ 15,000 रुपए है। फैमिली पेंशन को ITR में अन्य स्रोतों से आय के हेड में रखा जाता है। और दूसरा डिडक्शन जो है वह है NPS में जमा रकम पर डिडक्शन का लाभ। नई टैक्स रिजिम के तहत नौकरी पेशा कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS में जमा की गई रकम पर भी स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिल सकता है, लेकिन इसका फायदा लेने के लिए कुछ शर्तों का पूरा होना जरूरी है। पहली शर्त है कि NPS में यह रकम एम्प्लॉयर द्वारा अपने कर्मचारियों के Tier 1 NPS अकाउंट में जमा की जानी चाहिए, और दूसरा यह राशि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के वेतन के 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको बता दूं कि NPS के तहत दो खाता आप खुलवा सकते हैं, पहला खाता है Tier 1 और दूसरा खाता है Tier 2। Tier 2 सेविंग्स अकाउंट जैसा होता है जबकि Tier 1 पेंशन खाता होता है, और Tier 2 खाता तभी खुलवा सकते हैं जब आपके पास कोई Tier 1 खाता हो। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह लिमिट 14% है। वेतन की इस परिभाषा में बेसिक सैलरी के साथ ही महंगाई भत्ता भी शामिल है। नौकरी पेशा लोग इस डिडक्शन का लाभ इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD 2 के तहत ले सकते हैं। चूंकि यह पैसा एम्प्लॉयर ही कर्मचारी के खाते में जमा करते हैं, इसलिए आमतौर पर इस डिडक्शन का लाभ लेने के लिए आपको अपने एम्प्लॉयर के पास कोई प्रूफ
या डॉक्यूमेंट जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपके एनपीएस खाते में जमा की गई इस रकम का जिक्र आपके फॉर्म 16 के पार्ट बी में मिल जाएगा। अब नई टैक्स रिजीम में कितने वेतन पर नहीं देना पड़ेगा टैक्स वो जान लीजिए। तो यहां बताएं दोनों डिडक्शन का लाभ जोड़ दें तो 7.5 लाख रुपए से ज्यादा वेतन पाने वालों को भी इनकम टैक्स देने से पूरी राहत मिल सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी का सालाना वेतन 8 लाख रुपए है तो 50,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन को माइनस करने के बाद उसकी टैक्सेबल सैलरी 7.5 लाख रुपए रह जाएगी। अब अगर उसका एम्प्लॉयर उसके लिए टीयर 1 एनपीएस अकाउंट में 50,000 रुपए जमा कर दे तो टैक्सेबल इनकम और घटकर 7 लाख रुपए रह जाएगी, जिस पर नई टैक्स रिजिम के तहत उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वैसे 8 लाख रुपए का सालाना वेतन पाने वाले कर्मचारी का एम्प्लॉयर उसके एनपीएस खाते में सालाना 80,000 रुपए तक जमा कर सकता है, जिस पर सेक्शन 80CCD 2 के तहत डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। तो इस तरह से नई टैक्स रिजिम में भी आप 8 लाख रुपए तक टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। अब है कि नौकरी पेशा को नई टैक्स रिजिम पसंद करना चाहिए या पुरानी टैक्स रिजिम पसंद करना चाहिए, तो इस बारे में एक निजी सर्वे आया है। दोस्तों देश में जब एक ही टैक्स रिजिम थी तो टैक्स पेयर्स को कौन से रिजिम का चुनाव करना है इसको लेकर कोई उलझन नहीं था, लेकिन अब दो दो टैक्स रिजिम है इसलिए अब दो में से किसी एक का चुनाव करने का झंझट रहता है। हाल ही में एक निजी सर्वे में खुलासा हुआ है कि वित्त वर्ष 2023-2024 में आईटीआर भरने के लिए 63% लोग पुरानी कर व्यवस्था को पसंद कर रहे हैं। क्योंकि पुरानी कर व्यवस्था में कर बचाने के लिए बहुत सारे निवेश साधन है तो उन निवेश साधनों में से सबसे ज्यादा टैक्स पेयर्स पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड और यूलिप यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी को पसंद कर रहे हैं। पुरानी कर व्यवस्था को चुने जाने की वजह पूछे जाने पर 43% लोगों का कहना था कि पुरानी व्यवस्था में कर दायित्व कम बनता है यानी कम कर देना पड़ता है इसलिए उसको पसंद कर रहे हैं। तो सर्वे के मुताबिक 63% लोगों को पुरानी कर व्यवस्था पसंद है, यानी ज्यादातर लोग पुरानी कर व्यवस्था पसंद कर रहे हैं। क्यों पसंद कर रहे हैं इसका कारण भी उन्होंने बताया है कि इसमें जो कर दायित्व बनता है वो कम बनता है नई व्यवस्था के मुकाबले। ये सर्वे policybazaar.com ने कराया था, उसमें पाया गया कि 63% ने पुरानी टैक्स व्यवस्था को चुना जबकि महज 37% ने नई व्यवस्था को चुना, यानी सरकार को इस पर सोचने की जरूरत है। सर्वेक्षण में शामिल 80% उत्तरदाताओं को कर व्यवस्था के बारे में पता है जिसे उन्होंने चालू वित्त वर्ष में आईटीआर दाखिल करने के लिए चुना है, जबकि 71% उत्तरदाताओं का कहना है कि उन्होंने अपनी कर देनदारियों की गणना के बाद दोनों व्यवस्था में कौन उनके लिए बेहतर है तुलना करके चुनाव किया है। वहीं 14% उत्तरदाताओं दोनों कर व्यवस्थाओं के तहत अपनी कर दायित्व को लेकर जागरूक थे। हालांकि 20% उत्तरदाताओं को कर व्यवस्था के बारे में जानकारी नहीं थी और उनमें से भी 15% ने योजना के तहत अपनी कर दायित्व की गणना नहीं की। सर्वे के मुताबिक 74% महिलाओं ने कर व्यवस्था चुनने से पहले दोनों व्यवस्था के तहत अपनी कर दायित्व की गणना की और तब दोनों व्यवस्था में से कौन बेहतर है उनके लिए उसको चुना। यह इस मामले में पुरुषों के 71% से थोड़ा अधिक है, यानी महिलाएं इस मामले में पुरुषों के मुकाबले ज्यादा जागरूक हैं। वेतन भोगी व्यक्तियों का झुकाव पुरानी कर व्यवस्था की ओर सबसे अधिक है। सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा 67% से ज्यादा वेतन भोगी लोग वित्त वर्ष 2023-2024 में आईटीआर दाखिल करने के लिए पुरानी कर व्यवस्था को चुनने के इच्छुक दिखे। सर्वे में 51% कारोबारियों ने भी पुरानी कर व्यवस्था को चुना जबकि 53% पेशेवरों ने पुरानी व्यवस्था को चुना। वित्त वर्ष 2023-2024 में सेवानिवृत्त लोगों में से 66% ने पुरानी व्यवस्था को चुना, यानी ज्यादातर लोग तो पुरानी कर व्यवस्था ही पसंद कर रहे हैं। अगर आय वर्ग के हिसाब से देखें तो सर्वेक्षण में पाया गया कि उच्च आय वालों ने पुरानी व्यवस्था को प्राथमिकता दी है। प्रतिवर्ष 7.5 लाख रुपए से अधिक कमाने वाले 68% से अधिक वेतनभोगियों ने पुरानी व्यवस्था को चुना जबकि प्रतिवर्ष 7.5 लाख रुपए तक कमाने वाले 54% लोगों ने पुरानी व्यवस्था को चुना। अगर उम्र के हिसाब से देखें तो हर उम्र में पुरानी कर व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई है। आयु के हिसाब से 21 से 30 वर्ष आयु वाले 62% उत्तरदाताओं ने पुरानी कर व्यवस्था को चुना। उन्होंने इसका कारण लंबी अवधि में निवेश को बताया। 31 से 41 वर्ष के आयु वर्ग के 68% लोगों को पुरानी कर व्यवस्था पसंद है जबकि 41 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के 66% को पुरानी कर व्यवस्था पसंद है। निवेश विकल्प के तौर पर लोगों ने क्या पसंद किया सर्वे में वो भी जान लीजिए। सर्वेक्षण में पाया गया कि कर बचत निवेश साधन के तौर पर लोगों को सार्वजनिक भविष्य निधि यानी पीपीएफ और यूलिप सबसे ज्यादा पसंद है। पीपीएफ को 39% ने जबकि यूलिप को 34% लोगों ने पसंद किया है।
दोस्तों बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। आपने देखा कि नौकरी पेशा लोग नई कर रिजिम में भी कैसे अच्छा खासा टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। साथ ही ज्यादातर टैक्स पेयर्स द्वारा पुरानी कर व्यवस्था को पसंद करना बताता है कि सरकार को नई कर व्यवस्था के तहत और सुधार करने की जरूरत है। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि कर व्यवस्था के तहत निवेश को बढ़ावा दिया जाए, न कि कर व्यवस्था में सुधार के नाम पर निवेश की आदत को ही खत्म कर दिया जाए। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आप नई कर व्यवस्था या पुरानी कर व्यवस्था में से किसके तहत ITR दाखिल करने जा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर जानकारी देंगे तो अच्छा रहेगा। इस एपिसोड या फिर पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछें। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार। दोस्तों ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।